शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी एनआईएस के इस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है भाषा शिक्षण हेतु बहुसंचारी शिक्षण सामग्री, और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में उपलब्ध हैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी, जो शिक्षा विभाग महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। मैं इस स्टूडियो में डॉक्टर तिवारी का स्वागत करता हूं। स्वागत है तिवारी जी, और नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर त्रिपाठी, और हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। डॉक्टर तिवारी, मैं जानना चाहूंगा कि भाषा शिक्षण हेतु बहुसंचारी शिक्षण सामग्री से क्या आशय है? डॉक्टर त्रिपाठी, बहुसंचारी शिक्षण सामग्री, जैसा कि आपने विषय बताया कि भाषा शिक्षण हेतु बहुसंचारी शिक्षण सामग्री पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो बहुसंचारी शिक्षण सामग्री की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि बहुसंचारी सामग्री क्या है जी। इसके पश्चात हम शिक्षण सामग्री की जी, बात करें जी जी। तो बहुसंचारी शब्द संचार के विभिन्न माध्यमों की बात करता जी। और जब हम बहुसंचारी को एक साथ ले आते हैं और बहुसंचारी बनाते हैं, अर्थात संचार के विभिन्न माध्यमों को एकीकृत करना जी, तो बहुसंचारी सामग्री को विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषित किया, हालांकि ये परिभाषाएं भिन्न भिन्न रही हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश परिभाषाएं इस बात पर सहमत हैं कि बहुसंचारी सामग्री में लिखित संदेश, जिसे कि हम टेक्स्ट कहते हैं जी, चित्र यानी कि ग्राफिक्स, एनिमेशंस, वीडियो एवं ध्वनि अर्थात ऑडियो एकीकृत रूप में समाहित रहते हैं और विषय वस्तु को अलग प्रकार से संरचित करके प्रस्तुत किया जा सकता जी। है। अब यह विषय वस्तु शैक्षणिक भी हो सकती है या फिर हमारे मनोरंजन के लिए भी हो सकती है। विशेष रूप से मनोरंजन के क्षेत्र में ही मल्टीमीडिया बहुसंचार शब्द का प्रयोग अधिक होता है, और हमारे ये जो मीडिया शब्द तो इस विशेष रूप से पत्रकारिता के लिए आज पर्याय बन गया है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन शिक्षण के क्षेत्र में भी अब इसका बहुतायत से प्रयोग होने लगा है जी। तो फेनरिच ने वर्ष 1997 में इस संप्रत्यय को परिभाषित किया और यह बताया कि कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का एक रोचक संचय है जो आपको दृश्य अर्थात वीडियो रिसोर्सेज संसाधन, एनिमेशन श्रव्य संसाधन अर्थात ऑडियो रिसोर्सेज, चित्र यानी कि ग्राफिक्स एवं लिखित संसाधनों यानी कि टेक्स्ट को एकीकृत कर एक प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण का निर्माण करने की अनुमति देता है जी। यानी यहाँ पर हम इन सारे संसाधनों को, जो जितने भी संचार के तकनीकी संसाधन हैं, उनको हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, एकीकृत करते हैं, और फिर उस एकीकरण का प्रयोग कर हम अपना प्रस्तुतिकरण प्रभावपूर्ण बनाने की कई माध्यमों का एक साथ एकीकृत करके एक उद्देश्य के लिए करना, एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग करना। इस प्रकार बहुसंचारी सामग्री से आशय कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि साधनों को एकीकृत रूप से है, जो आपको किसी विषय वस्तु पर प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण के निर्माण के लिए लिखित संदेश, दृश्य संसाधन, श्रव्य संसाधन, एनिमेशन आदि को समेकित करने की अनुमति देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसको परिभाषित करने की बात करें हम, तो बहुसंचारी सामग्री कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि के समन्वयन के माध्यम से ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें आप किसी विषय वस्तु पर प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए दृश्य संसाधनों, श्रव्य संसाधनों, लिखित संदेशों, ध्वनियों, चित्रों, गतिशील चित्रों जिसको कि हम एनिमेशन के रूप में जानते हैं आदि को समेकित करते हैं जी। भाषा शिक्षण में जब हम बहुसंचारी सामग्री की बात करते हैं तो उससे आशय उन बहुसंचारी सामग्रियों से है जिनका प्रयोग भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए हम करते हैं जी। तो एक बार जब हम बहुसंचारी सामग्री के
तात्पर्य को, उसके अर्थ को समझ लेते हैं, तो हमारे लिए भाषा शिक्षण में बहुसंचारी सामग्री को समझना बड़ा सरल हो जाता है। जी। और हम कह सकते हैं कि भाषा के अध्ययन अध्यापन में प्रयोग किए जाने वाले बहुसंचारी सामग्री को हम भाषा शिक्षण में बहुसंचारी सामग्री के रूप में कह सकते हैं, जान सकते हैं। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, रेडियो भी हो सकते हैं, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हो सकते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री हो सकती है, सीडी में भंडारित कार्यक्रम हो सकते हैं, आदि कुछ और भी, मोबाइल ऐप भी हो सकते हैं। मोबाइल ऐप भी हो सकते हैं, या स्वयं मोबाइल ही, ऐप की भी हम बात न करें तो मोबाइल भी बहुसंचार सामग्री के रूप में शिक्षण अधिगम में प्रयोग किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि बहुसंचार सामग्री की क्या आवश्यकता आनी पड़ी, क्योंकि शिक्षा तो पहले भी होता था। आवश्यकता को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर जब तक हम आवश्यकता को नहीं समझते हैं तब तक हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आवश्यकता नहीं है तो आविष्कार भी नहीं होगा, क्योंकि कहा ही गया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अगर कोई नई चीज हमारे सामने है तो हम कभी ना कभी हमें उसकी आवश्यकता पड़ी होगी, और हम उस आवश्यकता को अगर जानेंगे तो हम उसका प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों को या शिक्षक को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि वे लोग इसका प्रयोग करना शुरू किए। जी, इस पे जरा प्रकाश डालिए आप। तो पहली आवश्यकता है कि भाषा अधिगम हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। अब वर्तमान परिदृश्य है जो, और वर्तमान परिदृश्य में जो भाषा अधिगम की स्थिति है इससे कोई भी व्यक्ति जो है वो अछूता नहीं, वो सब जानते हैं इसको कि भाषा अधिगम की वर्तमान परिदृश्य में क्या स्थिति है। आज विद्यार्थी भाषा सीखने से भागता है जी, और चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, वो भाषा सीखने से भागता है जी। अब शिक्षण माध्यम के रूप में चूंकि किसी ना किसी भाषा का तो प्रयोग किया ही जाएगा, इसलिए वो कर रहा है, वो जान रहा है, लेकिन भाषा पढ़ना या भाषा सीखना वो नहीं चाहता जी। इसके पीछे कारण क्या है जी? इसके पीछे का कारण यह है कि आज का विद्यार्थी तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है जी। वो अपने बचपन से, अपने बाल्यकाल से या अपने शैशवा अवस्था से ही तकनीकी गजटों से, इलेक्ट्रॉनिक गजटों से घिरा पड़ा रहता है। वो मोबाइल पर गेम खेलता है, वो लैपटॉप चलाता है। एक छोटा बच्चा, एक 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा लैपटॉप चलाता है, मोबाइल गेम खेलता है, मोबाइल पे गाने सुनता है, जो कि हमारे बचपन में जो चीजें मुझे मुझे लगता है कि 2 साल का भी बच्चा मोबाइल चला सकता है, और चलाता ही होगा। तो वो तकनीकी रूप से घिरा है, और उसके जीवन के हर पक्ष में तकनीकी ने एक कहीं तकनीकी का सशक्त प्रवेश हो चुका है। ऐसे में भाषा अधिगम या भाषा शिक्षण की जो विधि प्रचलित है हमारे यहाँ, वो आज भी तकनीकी से उसका बहुत कम ही वास्ता है जी। तकनीकी संसाधनों का उसमें प्रयोग बहुत कम किया जाता है। वो आज भी पारंपरिक विधि, जो पाठ्य पुस्तक विधि थी या जो व्याकरण अनुवाद विधि थी, इन्हीं विधियों का आज भी बहुत अधिक हम प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा नीरस भाषा शिक्षण, बड़ा नीरस हो रहा है। हो गया है, इसमें प्रोत्साहन नहीं रहा है, क्योंकि विद्यार्थी तो तकनीकी की खोज में है, वो तो हर क्षेत्र में तकनीकी चाह रहा है। अब इसी भाषा अधिगम को वो कंप्यूटर के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से जब वो सीखने की कोशिश करेगा या उसे सिखाया जाएगा, तो इसके लिए उसमें प्रोत्साहन बढ़ेगा कि कैसे हम इंटरनेट के माध्यम से हम भाषा सीख सकते हैं, कैसे हम व्याकरण के नियमों को इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से सीख सकते हैं। तो प्रोत्साहित करने के लिए बहुसंचारी सामग्री की आवश्यकता पड़ी जी। विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि आज विद्यार्थी जहां एक ओर तकनीकी से घिरा पड़ा है, उसके पीछे का एक कारण यह भी है कि आज माता पिता दोनों कामकाजी हो गए हैं, और विद्यार्थी एकाकी जीवन व्यतीत करता है। एकाकी जीवन व्यतीत करने के कारण वो तकनीकी को अपना साथी मान लेता है, उसी के साथ अपना समय व्यतीत करता है। तो जहां तकनीकी रूप से वो सशक्त हो रहा है, वहीं उसका सामूहिक जीवन या सामाजिक जीवन जो है वो गड़बड़ हो रहा है, वो बाधित हो रहा है,
उसके अंदर समूह में कार्य करने की भावना जो है वो कम हो रही है जी। तो इसलिए समूह में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि वह इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग ग्रुप से जुड़ता है, अलग अलग फोरम से जुड़ता है, उस पर अपने विचारों को साझा करता है, उनके विचारों को जानता है, उनकी टिप्पणियों को समझता है, तो एक समूह बन जाता है और उस समूह के साथ वो कार्य करता है, इसलिए उसमें समूह में कार्य करने की भावना प्रोत्साहित होती है। ये बहुत सही कहा आपने। मुझे लगता है कि हमारे शिक्षार्थी समझ गए होंगे कि भाषा एक अंतर क्रिया का विषय है, भाषा का विकास जो है वो अंतरक्रिया के माध्यम से होता है। पहले हम समूह में अंतरक्रिया करते थे, अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो उसी को हम माध्यम के रूप में प्रयोग करना चाहिए जी। तीसरी आवश्यकता आई स्वगति से सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए। विद्यार्थियों के ऊपर जो एक निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम को सीखने का जो दबाव होता है वो दबाव असह्य होता है जी। इस दबाव को हम लोगों ने भी अपने विद्यार्थी जीवन में महसूस किया है। तो अब हमें इस निश्चित समय में इतना सीख ही जाना है और अगर हमारी मानसिक क्षमता उतनी सीखने की नहीं है तो हम बेवकूफ या कमजोर या मंदबुद्धि विद्यार्थी के रूप में जाने जाने लगते थे। तो इस दबाव को कम करने के लिए और विद्यार्थी अपनी गति से अपनी सुविधा के अनुसार सीख सके, इसके लिए अवसर प्रदान करने हेतु भी बहुसंचारी सामग्री की आवश्यकता पड़े जी। विद्यार्थियों की संप्रेषण क्षमता को उन्नत करने के लिए, चूंकि विद्यार्थी बहुसंचारी सामग्री जो है उनका प्रयोग करके बार बार वो शुद्ध उच्चारण को सुन सकता है, शुद्ध उच्चारण को समझ सकता है, उच्चारण का अभ्यास कर सकता है, साथ ही साथ दृश्य संसाधन जो बहुसंचारी सामग्री में जो दृश्य संसाधन है उनको देखकर और वो आनन अभिव्यक्ति यानी जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको भी सीखता है जी। कि किस प्रकार के आरोह अवरोह के साथ या किस प्रसंग में बात करते समय चेहरे पर कैसे हाव भाव आने चाहिए। तो इससे उसकी संप्रेषण क्षमता काफी उन्नत होती है जी। क्योंकि अगर आप उचित आनंद अभिव्यक्ति के साथ संप्रेषण करते हैं तो भले ही कोई व्यक्ति आपकी भाषा नहीं समझ रहा हो, आपके हाव भाव के माध्यम से वो ये समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से संप्रेषण क्षमता को उन्नत करने के लिए भी हमें बहुसंचारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। फिर भाषाई ज्ञान का निर्माण, विद्यार्थी बहुसंचारी सामग्री के माध्यम से सीखता है और भाषाई कौशलों का विकास करता है तो उसके मस्तिष्क में भाषाई ज्ञान का निर्माण होता है। साथ ही साथ उस ज्ञान को अनेक तरीकों से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए, अब मान लीजिए कि हमारे पास बहुसंचारी सामग्री नहीं है जी। तो हम अपनी अभिव्यक्ति दो तरीकों से ही कर सकते हैं, बहुत करेंगे तो तीन तरीकों से करेंगे, या तो लिख कर या बोल कर या फिर सांकेतिक रूप से। मुख्यतः दो ही तरीके होते हैं क्योंकि हर एक चीज को सांकेतिक रूप से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है, तो दो तरीकों से। लेकिन ये बहुसंचारी सामग्री हमें कई तरीके देते हैं। हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके वेबसाइट पे छोड़ सकते हैं, हम पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बना सकते हैं, हम ऑडियो मटेरियल को सीडी के रूप में या पेन ड्राइव के रूप में रख सकते हैं, हम वीडियो जैसे ये लेक्चर, ये जो चर्चा सत्र चल रही है, जो चर्चा हमारे विद्यार्थियों के पास पहुंच रही है वीडियो के रूप में, ये भी इसका एक उदाहरण है जी, जी। कि कैसे हम अनेक प्रकार से खुद को या अपने ज्ञान को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि हम लोग जब बचपन में थे तो अपने कक्षा की पुस्तकों के अलावा हमें कॉमिक्स पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता था। उसमें चित्र भी होते थे, पीछे एक दृश्य भी बना होता था और शब्द भी लिखे होते थे, शब्दों को फिर उस स्टाइल से लिखा जाता था जिस तरह का सीन होता था जी, जी। तो मुझे लगता है वो बहुसंचारी माध्यम का एक अच्छा उदाहरण है। एक अच्छा उदाहरण है, वो कहीं बहुसंचारी माध्यम का एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि विद्यार्थियों के तमाम ज्ञानेंद्रियों को, जो उसके समस्त ज्ञानेंद्रिय हैं, उनको एक साथ सक्रिय करने का माध्यम ये बहुसंचारी सामग्री है।
सारी ज्ञानेंद्रियां जब एक साथ सक्रिय होकर एक विषय वस्तु पर फोकस करेंगी तो उसका जो अर्जन होगा, वो जो ज्ञान अर्जन होगा, वो हमारे मस्तिष्क में बहुत अधिक अस्थायी रूप से चिरकाल तक रहेगा। तो वो एक अच्छा उदाहरण है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम भाषा शिक्षा में किन बहुसंचारी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ कि हमारे जो शिक्षार्थी हैं और जो शिक्षक भी हैं वो जाने कि कौन कौन से साधन हैं जो भाषा शिक्षण में प्रयोग किए जा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा एक एक करके प्रकाश डालें। अगर हम इसको सूचीबद्ध करें तो एक लंबी सूची बन जाएगी। फिर भी हम अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों के सुविधा के दृष्टिकोण से अगर इसको सूचीबद्ध करने की कोशिश की जाए तो दो मुख्य सूचियां बनती हैं, या हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली बहुसंचारी साधनों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला भाग या पहला प्रकार पारंपरिक बहुसंचारी सामग्री का है, जिसमें रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो टेप, सीडी, वीडियो टेप, डीवीडी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या फिर जो आपने कॉमिक्स की बात की, उस तरह की जो चित्र कथाओं की जो पुस्तकें होती हैं आदि, ये सारी पारंपरिक बहुसंचारी सामग्री में हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी भाग या दूसरा प्रकार जो है वो नवीन बहुसंचारी सामग्री के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम कंप्यूटर, डेटा प्रोजेक्टर, इंटरनेट, मोबाइल, MP3 प्लेयर आदि का प्रयोग करते हैं। अब हम बारी बारी से, मतलब इनके प्रयोग के इतिहास के आधार पर नवीन और प्राचीन जो है जा सकता वो कहा गया है। हालांकि कंप्यूटर, डेटा, इंटरनेट ये सब भी अब नवीन नहीं रह गए हैं, लेकिन उनके तुलना में ये नवीन है, इसलिए इन्हें हम नवीन बहुसंचारी सामग्री की बात करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अहम भूमिका निभाता है, जैसे एजुसेट। हालांकि इसका भाषा शिक्षण में प्रयोग नहीं है, लेकिन चाहे तो किया जा सकता है, भाषा शिक्षण के लिए भी चाहे तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बारी बारी से जो मुख्य हमारे बहुसंचारी सामग्री है उनके प्रयोग पर थोड़ी बातचीत करते हैं। रेडियो, रेडियो सर्वाधिक प्राचीन उपकरण है जो शिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए प्राचीन है कि इसके पहले हो सकता था कि समाचार पत्रों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन समाचार पत्र को हम बहुसंचारी के रूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुसंचारी में पुस्तक के फॉर्म में आता है, टेक्स्ट के रूप में वो आता है। चित्र होते हैं, लेकिन अब हम उसमें गतिशील चित्रों का या ध्वनि का संकलन नहीं कर सकते हैं। रेडियो की जब हम बात करते हैं तो भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग श्रवण कौशल एवं भाषण कौशल के विकास के लिए किया जाता है। विद्यार्थी रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जैसे समाचार, काव्य पाठ आदि के माध्यम से शुद्ध उच्चारण कौशल को सीखता है, तथा कार्यक्रम को सुनकर समझने के प्रयास में उसका श्रवण कौशल उन्नत होता है। वो सिर्फ न शुद्ध उच्चारण करना सीखता है, बल्कि उचित आरोह अवरोह के साथ, उचित अनुतान के साथ वो उच्चारण करना जानता है या सीखता है। इस प्रकार रेडियो के माध्यम से विद्यार्थी के श्रवण एवं भाषण कौशल या वाक कौशल का विकास होता है। ये हमारे समय पे भी हमारे शिक्षक सुझाव देते थे कि अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो जो न्यूज का जो टाइम है उसमें रेडियो सुने, खासकर BBC से प्रसारित होने वाले समाचारों को सुनने के लिए अक्सर अध्यापकों द्वारा सुझाव दिया जाता था। ये हमारे स्कूलिंग में जब हम अपने विद्यालयी जीवन में थे तो ऐसा कहा जाता था, या विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे उनको सुनने का भी सुझाव दिया जाता था। दूरदर्शन की अगर हम बात करें तो दूरदर्शन का प्रयोग भी भाषा शिक्षण में रेडियो की ही भांति किया जाता है। इस पर भी प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को देखकर एवं सुनकर विद्यार्थी अपने श्रवण एवं भाषण कौशल को उन्नत करता है। भाषा शिक्षण में दूरदर्शन के प्रयोग का एक लाभ यह भी हमें मिल जाता है कि
कि हम आनन अभिव्यक्ति के कौशल, आनन अभिव्यक्ति थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द आ जा रहा है, इसको सामान्य शब्दों में फेशियल एक्सप्रेशन कहा जाता है, तो आनन अभिव्यक्ति कौशल को भी सीखता है, इससे उसकी संप्रेषण क्षमता और उन्नत हो जाती है। ऑडियो टेप, वीडियो टेप, सीडी एवं डीवीडी, ये सब कार्यक्रम को भंडारित करके रखने के साधन थे। ऑडियो टेप एवं वीडियो टेप तो अब गुजरे जमाने की बात हो गई है, अब तो ये देखने को भी अगर मिल जाए, हालांकि अभी तक तो पुराने लोगों के पास देखने को मिल जाता है, लेकिन शायद ही हमारे आने वाली पीढ़ी को ये देखने को मिले। इसमें हम यानी ऑडियो टेप और वीडियो टेप में कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके रख लेते थे और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे सुनते थे, या उच्चारण की शुद्धता का अभ्यास करने के लिए अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते थे और उसे सुनते थे, अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को ढूंढने का प्रयास करते थे। सीडी एवं डीवीडी का उपयोग इस कार्य हेतु कुछ समय पहले तक किया जाता था, लेकिन अब इसका स्थान मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव जैसे साधनों ने ले लिया है। कंप्यूटर वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित बहुसंचारी सामग्री, ये तो अपने आप में एक बहुसंचार है, सभी चीजों को इकट्ठा कर लिया है, टीवी को भी, रेडियो को भी, और प्रिंट सब समाहित है इसके अंदर। जी, तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित बहुसंचारी सामग्री है एवं भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। जी, इसके माध्यम से हम विद्यार्थी में चारों भाषाई कौशलों का विकास कर सकते हैं। विद्यार्थी अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है, उसे सुनता है, उच्चारण संबंधी अपनी त्रुटियों को सुधारता है, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करता है, फिर सुनता है, फिर त्रुटियों को सुधारता है। इस प्रकार बार बार का जो अभ्यास होता है उसके द्वारा उसका उच्चारण कौशल उन्नत होता है। उच्चारण कौशल के साथ ही साथ विद्यार्थी का श्रवण कौशल भी उन्नत होता है, क्योंकि वह सुनकर समझता है, अपनी गलतियों को ढूंढता है, वह उस भाषा के मूल वक्ताओं के उच्चारण को भी सुनता है और यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे वे किसी ध्वनि विशेष या शब्द विशेष या किसी वाक्य का उच्चारण वे कर रहे हैं, यानी जो उस भाषा के जो मूल वक्ता है वो कर रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी अपने उच्चारण एवं श्रवण कौशल को उन्नत कर सकते हैं। विद्यार्थी को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ को सुनाया जा सकता है, उसका चित्र दिखाया जा सकता है, उसका वीडियो दिखाया जा सकता है, वीडियो सबटाइटल के साथ दिखाया जा सकता है, जिसमें कि विद्यार्थी की समस्त ज्ञानेंद्रियां एक साथ सक्रिय हो जाए और एक साथ सक्रिय होकर एक विषय वस्तु के अर्जन के लिए कार्य करे। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है। जी। और मोबाइल फोन, प्रोजेक्टर आदि का जो हम की जो हमने बात की उसका भी प्रयोग हम इसी भारतीय भाषा शिक्षण में कर सकते हैं। विद्यार्थी को किसी पाठ को सुनाने के बाद हम उससे उसका अनुकरण वाचन करवा लेते हैं, उस अनुकरण वाचन की रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर हम जो उसका पाठ जो किया गया है आदर्श वाचन के रूप में, जिसे विद्यार्थी ने सुना है, और जो विद्यार्थी के अनुकरण वाचन की रिकॉर्डिंग है, उन दोनों को बारी बारी से विद्यार्थी को सुना सकते हैं और कह सकते हैं कि कहां आपने कमी की, आपकी त्रुटियां क्या है, आप उसे ढूंढिए और आप उसका निराकरण कीजिए, फिर से वाचन कीजिए, आदि चीजों से हम उसको इंटरेस्टिंग, उसको रोचक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का उपयोग हम उच्चारण कौशल के विकास के लिए करते हैं, साथ ही साथ अपने शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भी करते हैं। लेखन कौशल भी एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल है और इसके विकास के लिए भी हम बहुसंचारी सामग्री के रूप में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अनेक सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, एमएस वर्ड ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा व्याकरण के ज्ञान के लिए कई एप्लीकेशन बने हुए हैं जिन्हें मोबाइल या कंप्यूटर या किसी भी माध्यम की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। लगभग सभी भाषाओं के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शब्दकोश उपलब्ध है,
इन शब्दकोशों की सहायता से हम शब्द का सही अर्थ जान सकते हैं। कई शब्दकोशों में तो उच्चारण सुनने की व्यवस्था होती है, हम शब्दों का सही उच्चारण भी वहां से सीख सकते हैं। सिनेमा एक सशक्त माध्यम है सीखने का, लेकिन विडंबना यह होती है कि हम सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं, उसमें सीखने वाली बात क्या है ये हम आज तक समझ ही नहीं पाए। मुझे लगता है कि हमारे शिक्षकों को ये जानना चाहिए, सिनेमा से भी हमारे बच्चे सीखते हैं, वो अप्रत्यक्ष शिक्षण काफी स्थायी होता है और इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका प्रयोग हमें करना चाहिए डॉक्टर त्रिपाठी, क्योंकि सिनेमा भाषा सीखने का तो सशक्त माध्यम है ही, इसकी साथ साथ ये अन्य विषयों का भी हमें ज्ञान प्रदान करता है। सिनेमा के गीतों के माध्यम से हम शब्दों के सही उच्चारण को सीख सकते हैं, क्योंकि एक गायक के लिए शुद्ध उच्चारण करना सबसे आवश्यक शर्त मानी जाती है। अगर उसका उच्चारण शुद्ध नहीं है तो वो गायन कार्य नहीं कर सकता है। हम उससे काव्यगत सौंदर्य जैसे अलंकार, रस, छंद आदि का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा जो युवक है वो, हम उसको रामचरितमानस की चौपाइयां और जो प्राचीन कविताएं हैं, जो दोहे पद चौपाई लिखी गए हैं, उनका उदाहरण देने की बजाय, जिसको कि उसने कभी सुना नहीं है, हम अगर अलंकार, रस, छंद आदि जैसी चीजें पढ़ाते समय हम फिल्म के जो गीत हैं, जो सिनेमा में गीत गाए हैं, उनका उदाहरण दें जो उनके समय के हैं, तो ये ज्यादा उपयोगी होगा उनके लिए। भाषा शिक्षण में बहुसंचारी सामग्री के प्रयोग को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो सुदामा चरित नाम का एक सवैया, नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई एक सवैया पढ़ना होता था। सवैया एक विशेष प्रकार का छंद होता है। छंद कविता लिखने के नियम को कहते हैं। काव्य शास्त्र के जो नियम थे कि इतनी वर्ण होनी चाहिए, इतनी मात्राएं होनी चाहिए, उस आधार पर छंद की रचना की जाती थी। तो सवैया एक विशेष प्रकार का छंद होता था, इस छंद में इसकी रचना की गई। अब इसको पढ़ाने के लिए हम इसके वीडियो क्लिप को और सबटाइटल के साथ इसके वीडियो क्लिप को हम दिखा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका वीडियो क्लिप आए कहां से? तो श्री कृष्ण या श्री कृष्णा नाम से रामानंद सागर ने जो धारावाहिक बनाया था उसमें सुदामा और कृष्ण मिलन का जो प्रसंग है, उस प्रसंग को इस सवैया के साथ सुसज्जित किया गया है, क्योंकि ये सवैया ही उसी प्रसंग पर लिखा गया है। तो हम इसको दिखा सकते हैं, इससे विद्यार्थी सवैया का प्रसंग समझेगा, सवैया कैसे लय होता है, उसकी उसकी गेयात्मकता क्या है, यानी कहाँ पे प्रवाह देना है, कहाँ पे ठहराव देना है, ये सारी चीजें वो जानेगा। और हम चाहें तो सवैया के अन्य उदाहरण, जैसे कि विवाह फिल्म के में एक आरती है, उसमें जो उदाहरण दिया गया है उस आरती को भी सवैया छंद में ही निबद्ध किया गया है, वो दिखा सकते हैं। तो विद्यार्थी तुलना भी कर सकता है। बहुत सही आपने कहा डॉक्टर तिवारी, इस प्रकार हम बहुसंचारी माध्यम की सहायता से सभी भाषाई कौशलों को सीख सकते हैं, साथ ही साथ जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं उनका भी शिक्षण हम कर सकते हैं। डॉक्टर तिवारी, मैं अब चाहूंगा कि आप बताएं हमारे शिक्षार्थियों को कि इन माध्यमों के प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने डॉक्टर त्रिपाठी। वास्तव में माध्यम के प्रयोग में सावधानी बरतनी आवश्यक है जी। खासकर से हमें दो बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात ये कि विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाए जाने वाले पाठ से हटकर बहुसंचारी माध्यम पर ही केंद्रित ना हो जाए। पाठ से उसका ध्यान हट जाए, वो माध्यम पर ही ना सोचने लगे कि कौन से तकनीकी है, कैसे इसका प्रयोग करते आदि आदि। दूसरी बात कि बहुसंचारी माध्यम का प्रयोग करने से पहले उसकी जांच करना जी। कक्षा कक्षा में जाने के बाद माध्यम कार्य ही ना करे, उसका असर क्या होगा, तो फिर सारा समय हम उसी में बर्बाद कर देंगे उसको ठीक करने में। तो इसलिए इन दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इस प्रकार से डॉक्टर त्रिपाठी, आज हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया कि बहुसंचारी सामग्री जो है शिक्षण में जो हम प्रयोग करते हैं उसका क्या आशय है, भाषा शिक्षण में इसकी आवश्यकता क्या है, और भाषा शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले बहुसंचारी साधन और उनके उपयोग क्या है, बहुसंचारी माध्यम के प्रयोग में सावधानी क्या है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इन सब तथ्यों पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ग्रीस,
मैं NIOS के तरफ से, अपने शिक्षार्थियों की तरफ से और अपनी तरफ से आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने सरल और सही तरीके से विभिन्न माध्यमों के बारे में, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपने समझाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी, और हमारे विद्यार्थियों को भी धन्यवाद।